नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा आठ मैं श्रीमती रजनी चौधरी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय निमोरा से, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में हमारी शिक्षिकाएं और हमारी महिला पालक जिन्होंने कि इस कोरोना काल में बहुत महती भूमिका निभाई है, इन्होंने घर को संभालने के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी शिक्षिकाओं की भूमिका निभाई है। और जो महिलाएं घर में मीडिया से अपडेट नहीं थी वो भी अपडेट हो गई हैं। इन सब के साथ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं विज्ञान के विषय ध्वनि के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आपकी कक्षा में शिक्षक आते हैं सभी बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं एक साथ, तो इससे भी एक ध्वनि आवाज होती है। दूसरी तरफ आप जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं चिड़ियों का चहचहाना, मोटर गाड़ियों की आवाज कहीं जाने से, तो इस तरह से जब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को हम पूरे दिन भर में सुनते हैं, चिड़ियों के चहचहाने से लेकर के कहीं बाहर जाने पे मोटर गाड़ियों की ध्वनि, स्कूल बच्चे पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रेयर की बैल बजती है और प्रेयर की बैल के लिए घंटी बजती है, और घंटी बजते ही सभी बच्चे प्रेयर के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम क्लास जब आपकी छुट्टी होती है तो छुट्टी होते ही आपकी बैल बजती है और उस बैल से भी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको अब घर जाना है। इस तरह से आप आवाज विभिन्न प्रकार की आवाजें देखते हैं, तो आपने विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ देखी। इस तरह से आपने विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ आप देख रहे हैं। इस ध्वनि चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में जानते हैं कि ध्वनि किस सर ये बीच में बंद हो गया क्या पूरा चल रहा है ना, तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमने किन किन ध्वनियों को देखा। जैसे एक साथ बैठे बच्चे क्लास के बच्चों को हमने देखा तो बच्चों ने विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ की। हारमोनियम की ध्वनि जब आप म्यूजिक बजाते हैं तो आपने हारमोनियम की ध्वनि देखी। बादलों का गरजना, बादल गरजते हैं उससे भी बहुत जोर की आवाज़ होती है। मोटर गाड़ियों की ध्वनि जब आप ट्रैफिक में गए तो आपको मोटर गाड़ियों की ध्वनि भी सुनाई। कुछ ध्वनियाँ हमको अच्छी लगती हैं जैसे चिड़ियों का चहकना हमको अच्छा लगता है, बादलों का गरजने से सभी डर जाते हैं, जोर की आवाज होती है तो बादलों का गरजना सभी को उतना अच्छा नहीं लगता। परंतु जब आप हारमोनियम की ध्वनि देखते हैं, कहीं हारमोनियम बजता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इनकी ध्वनि हमको अच्छी लगती है। दूसरी तरफ यदि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की घंटी की ध्वनि, तो ये ध्वनि हमको अच्छी लगती। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को देखते हैं। अब ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, तो कंपन करती हुई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। जैसे हमने एक द्विभुज स्वरित्र लिया, एक रबर पैड लिया, तो जब हम द्विभुज को एक भुजा को कठोर कड़े रबर के पैड पे जब हम मारते हैं और कान के पास लगाकर सुनते हैं तो हमको भुजाएं कंपित करती दिखाई भी देती हैं और स्पर्श करने पर ये कंपन बंद हो जाता है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में द्विभुज स्वरित्र दिख रहा है
और इस स्वरित्र को जब हम रबर पैड पे मारते तो कंपन करते हुए जो डैश डैश लाइंस दिखती हैं वो आप देखेंगे तो आपको कंपन करती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं इसका, कि कंपन करती हुई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है और वस्तु में ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और जब वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो कंपन समाप्त हो जाते हैं और ध्वनि भी सुनाई देनी बंद हो जाती है, कंपन आसानी से दिखाई देते हैं, किंतु अधिकांश स्थिति में ये बहुत क्षीण होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से कंपन करते हुए वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है या कंपनों के कारण ध्वनि होती है। अब आप बात हम बात करते हैं दोलन गति। ये चित्र में आपको दिख रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बीच में माध्य स्थिति है, और इस माध्य स्थिति के दोनों ओर ये वस्तु क्या करती है, जब कोई वस्तु गति करती है तो किसी वस्तु का उसकी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करना दोलन गति कहलाता है। और इस दोलन गति के ही इफेक्ट से हम आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल में इसका इफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयाम। जब कंपन करती ही वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंपन कहते हैं। कंपन करती हुई वस्तु जिस अधिकतम दूरी तक जा रही है वो उसका कंपन का आयाम कहलाता है। जैसे हम इसको क्या स्केल, जैसे ये स्केल दिख रहा है आपके चित्र में भी दिख रहा है, इस स्केल को हम देखते हैं तो यदि इस स्केल को हम पहले ये काय स्थिति में है टेबल में रखा हुआ, और यदि इसको हम हिला देते हैं तो ये पहले का से नीचे जा रहा है खा की ओर, फिर का में आ रहा है, फिर गा की ओर जा रहा है। तो इस तरह से जिस अधिकतम दूरी तक बीच में स्केल की माध्य स्थिति है, खा और गा तक जिस अधिकतम स्थिति तक जाएगा वह इसका आयाम है। आगे हम देखते हैं आवृत्ति। तो कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितनी बार कंपन करती है उसे उस कंपन की आवृत्ति कहते हैं। कोई कंपन करने वाली वस्तु है वो एक सेकेंड में जितनी बार कंपन करती है उसे कंपन प्रति सेकेंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। इसको कंपन प्रति सेकेंड भी कहते हैं या हर्ट्ज। हर्ट्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके लिए एक वैज्ञानिक थे हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज, और हेनरिच रूडोल्फ हर्ट्ज ने इसको बताया था, इसलिए उनके सम्मान में इसकी आवृत्ति को हम हर्ट्ज में भी मापते हैं, या इसकी इकाई हम हर्ट्ज भी कहते हैं या कंपन प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को कंपन की आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आवर्तकाल। कंपन करती हुई वस्तु को एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, और इसको हम सेकंड में मापते हैं। आवृत्ति बराबर एक बटे आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है, एक बटे आवर्तकाल, या इसको हम अपोजिट भी कह सकते हैं, आवर्तकाल बराबर एक बटे आवृत्ति। इस तरह से हमने आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल को देखा। अब ध्वनि की बात जब आती है तो जब किसी वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वह कंपित हो रही है और उसके कंपन अपने आसपास की हवा को भी कंपित कर देते हैं, और हवा से होते हुए कंपन जब कान तक पहुंचते हैं तो यह हमारे कान के पर्दे को कंपित कर देते हैं, और कंपित करने वाली वस्तु से हमारे कानों तक कंपनों को पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु और हमारे कान के बीच में कोई और माध्यम उपस्थित हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ध्वनि के लिए, ध्वनि सुनने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको हम एक क्रियाकलाप से देखते हैं। देखिए इसमें आपको चित्र में दिख रहा है, फर्स्ट चित्र में एक मेज रखी हुई है और उस मेज के दोनों तरफ दो बच्चियां बैठी हुई हैं, दो बालिकाएं। एक बालिका टेबल में कान लगाई हुई है और एक बालिका दूसरी तरफ से उसको टेबल को ठोक रही है, टैप कर रही है। तो मेज के एक सिरे के पास अपना कान लगाते हैं और मेज के दूसरे सिरे को मित्र से धीरे से ठोकने के लिए कहती है बालिका, और ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि किस माध्यम से पहुंचेगी, अब कान मेज के ऊपर बिठाकर फिर सुनकर देखते हैं दोनों ध्वनियों में क्या अंतर होता है।
ध्वनि आ रही है कि नहीं आ रही है, इस चीज को बालिकाएं देखती हैं। अब क्रियाकलाप दो में जब हम देखते हैं, तो क्रियाकलाप दो में है, हम इसके लिए एक खिलौना बनाते हैं। इसमें आवश्यक सामग्री के लिए हमने क्या लिया, माचिस की दो डिब्बियां ले लेंगे बेटा बच्चे आप लोग, और 10 मीटर का धागा ले लेंगे, दो आलपिन ले लेंगे। तो माचिस की डिब्बियों के भीतर जो खोखा है, उस खोखे में छेद करके उसमें धागा आलपिन की सहायता से लगा लेंगे। और फिर जब दोनों साइड लग जाएगा तो धागे की लंबाई लगभग 10 मीटर हो, और धागों को तान कर अपने एक साइड एक बच्चा पकड़ेगा, दूसरे साइड दूसरा बच्चा पकड़ेगा, एक साइड आप पकड़ेंगे, एक साइड आपका मित्र पकड़ेगा। और खोखे को अपने मुंह पर रखकर धीमे से कुछ बोलते हैं। इसके लिए देखिए इस तरह का आप कप भी ले सकते हैं, ये डिस्पोजल कप जो मिलते हैं आपके चाय के कप डिस्पोजल, उसमें भी इस तरह से भी ले सकते हैं। इसको पीछे यहाँ से छेद कर देंगे और अंदर यहाँ पे एक धागा बांध देंगे, बच्चा एक साइड और दूसरे साइड दूसरा बांध देगा। और इस तरह से इनका भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसको माचिस नहीं मिल रही है वो डिस्पोजल कागज के कप, उनको भी यूज आप कर सकते हैं। आप खोखे को अपने कान पर सुनने की कोशिश करेंगे, तो क्या कान पर कोई खोखा हटा लेंगे, लेने पर भी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और ध्वनि धागे में से संचरण कर सकती है। तो इसके लिए क्या है, आपको माध्यम की आवश्यकता हुई, माध्यम में आपको हवा दिखाई दे रही है और उसके द्वारा ध्वनि का संचरण हो रहा है। अब ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हमने देखा था प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उससे उसका अपवर्तनांक बदल जाता है। इसी तरह से हम जब ध्वनि की बात करते हैं, तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में ध्वनि का संचरण होता है, माध्यम के बिना ध्वनि का संचरण नहीं होता। इसके लिए हम देखिए एक प्रैक्टिकल करके एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक बैटरी से जुड़ी एक विद्युत घंटी को एक विद्युत रोधी बेल जार में रख देते हैं, लटका देते हैं, और विद्युत घंटी को बजाने पर जार में से हवा भारी होने के कारण आवाज सुनाई देती है। और यदि हम उस बेल जार में से पूरी हवा को निकाल देते हैं, वह निर्वात बना देते हैं, और फिर हम यदि विद्युत घंटी को बजाते हैं तो हमको आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों सुनाई नहीं देती? क्योंकि वहां पे हवा रूपी जो माध्यम था वो माध्यम हट गया, तो निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देती। और ध्वनि वायु की अपेक्षा कुछ धातुओं में 16 गुना तथा पानी में 4 गुना तीव्र गति से चलती है। मतलब यदि आप ध्वनि करेंगे, आवाज करेंगे, तो जित नॉर्मली हवा में आप जितना बोल रहे हैं उसकी बजाय यदि आप लोहे को ठोकते हैं, मेटल को ठोकते हैं, तो उसमें ज्यादा जल्दी से ध्वनि है, ज्यादा ज्यादा जल्दी आवाज आती है। ऐसी तरह से पानी में 4 गुना तेज आवाज आती है। अब चंद्र, इसी का हम एक देखते हैं कि कई बार देखा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर जाते हैं, तो वहां पर वो आपस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं सुन पाता है। तो उसका कारण क्या है? चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, ना वहां पर ठोस, द्रव, गैस, कोई माध्यम नहीं है। जब कोई माध्यम नहीं होता है तो ध्वनि का संचरण नहीं होता है, इसलिए ध्वनि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और चंद्रमा पर निर्वात है, जब कोई माध्यम नहीं होता उसको हम निर्वात कहते हैं, इसलिए ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता और अंतरिक्ष यात्री को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती, अपने पास खड़े मित्र की आवाज भी। तो अब व्यक्ति कैसे सुनते हैं चंद्रमा पर या अंतरिक्ष पर? तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री आपस में बात करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, और इन रेडियो तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर रेडियो तरंगों की सहायता से आपस में बातें करते हैं। अब ध्वनि हम कैसे सुनते हैं, ध्वनि हमको कैसे सुनाई देती है? तो ध्वनि किसी माध्यम से संसरित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है, और कान ध्वनि के संकेत के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचती है, और तो हमको ध्वनि सुनाई देती है। अब मनुष्य का कान 3 प्रमुख अंगों से मिलकर के बना है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण आपका आउटर ईयर, मध्य कर्ण इनर ईयर, मध्य कर्ण मिडिल ईयर,
और अंतःकरण आपका इनर ईयर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे बाहर जो पिन्ना दिखाई देता है, कान का जो लटकता भाग है, ये पिन्ना है। इसके यहीं से आपका आउटर ईयर स्टार्ट हो रहा है, बाह्यकर्ण स्टार्ट होता है। फिर उसके थोड़ा अंदर आप जाएंगे तो आपका मध्यकर्ण भाग है, और सबसे अंदर में जो आपकी लिक्विड रहती है वो इनर ईयर या अंतःकर्ण होता है। अब कान के विभिन्न भागों के हम यदि कार्यों को देखते हैं तो बाह्यकर्ण का क्या कार्य है? बाह्यकर्ण बाहर से आने वाली आवाज बाह्यकर्ण के माध्यम से मध्यकर्ण तक पहुंचती है। जो आउटर ईयर है उससे आवाज हमारी मिडिल ईयर तक पहुंचती है। अब मध्यकर्ण क्या कार्य करता है? तो मध्यकर्ण में स्थित कर्णपट्ट, जो हमारे कान के सुनने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, कर्णपट्ट के कंपन में कंपन होता है और कर्ण में संचारित होती। तो हमने देखा कि बाह्यकर्ण का काम है बाहर से आने वाली आवाज को मध्यकर्ण तक पहुंचाना, और मध्यकर्ण में कर्णपट्ट होता है, जिसको हम बोलते कान का पर्दा। जो कान का पर्दा कहा जाता है वो कर्णपट्ट मध्यकर्ण में होता है, और इसी से जो ध्वनि आती है वो टकराती है, और टकराने से कंपन होता है। उस कंपन के कारण हमको ध्वनि संचार होता है, ध्वनि का कंपन होता है, और उसके कारण हमको ध्वनि सुनाई देती है। तीसरा भाग जो होता है हमारा वो होता है अंतःकरण, और अंतःकरण में स्थित श्रवण तंत्रिका कंपनों को संकेत के रूप में मस्तिष्क तक भेजती है। अब देखिए, आपके मध्यकर्ण में कर्णपट्ट है या कान का पर्दा जिसको कहते हैं वो है, उससे ध्वनि टकराई, आवाज आई, उससे टकराई, कंपन पैदा हुआ, और इन कंपनों को श्रवण तंत्रिकाएं हैं, सुनने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, रिसीप्ट मोटर्स हैं, ये कंपनों को संकेत के रूप में मस्तिष्क को भेजती हैं। ब्रेन में जानकारी पहुंची कि ये आवाज आपको आई है, इस पे आपको ये रिएक्शन देना है। इस तरह से चित्र में आपने देखा बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण, तो ये कान के द्वारा ही हमको आवाज सुनाई देती, हमारे कान में आवाज जाती है और उससे फिर हमको आगे आवाज सुनाई देती है। अब श्रवण ध्वनिया, अब आवाज हमको सुनाई तो देती है, बट हम किस लेवल की आवाज, किस डेसिबल की आवाज हमको सुनाई देती है, कितनी की नहीं देती, क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो श्रवण श्रव्य ध्वनिया, अश्रव्य ध्वनिया और पराश्रव्य ध्वनिया। सुनने के हम लोग जो ध्वनिया सुनते हैं, उन सुनने की ध्वनियों के आधार पर ध्वनियों को हम तीन भागों में बांटते हैं, श्रव्य ध्वनिया, अश्रव्य ध्वनिया और पराश्रव्य ध्वनिया। पहली होती है श्रव्य ध्वनि, हमारे कानों में जो हमको है, मनुष्यों को सिर्फ उन ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड के बीच हो। मीन्स हम सिर्फ उन ध्वनियों को सुन सकते हैं जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड हो, उन्हीं ध्वनियों को मनुष्य सुन सकता है। अश्रव्य ध्वनिया, इन ध्वनियों को हम बोलते हैं श्रव्य ध्वनिया। नेक्स्ट है आपकी अश्रव्य ध्वनिया, वह ध्वनिया जो 20 कंपन प्रति सेकेंड से कम आवृत्ति की हो, अश्रव्य ध्वनि कहलाती। कई बार कोई व्यक्ति बहुत धीरे बोलता है या बहुत कम आवाज होती है तो आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देती या सुनाई ही नहीं देती। तो वो जो आपको आवाज सुनाई नहीं देती वो कितनी होगी? 20 कंपन प्रति सेकेंड से कम की ध्वनि होगी, या 20 आवृत्ति से कम की होगी, या 20 डेसिबल से कम की होगी। नेक्स्ट आपकी ध्वनियां होती हैं पराश्रव्य ध्वनि, वह ध्वनि जो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड से अधिक आवृत्ति की होती है, पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। पराश्रव्य ध्वनि कौन सी है? वह ध्वनि जो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की होती है, पराश्रव्य ध्वनि। अब देखिए, हम लोग सुन सकते हैं मनुष्य 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि, जबकि आपका कुत्ता है वह 40,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति सुन सकता है, माने इससे हाई, पराश्रव्य ध्वनि। और जो चमगादड़ है वो बहुत हाई रेंज में जाती है, चमगादड़ 70,000 कंपन प्रति सेकेंड की आवृत्ति सुन सकता है, और यह उतनी ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न भी कर सकता है। जो चमगादड़ है, बैट है, वह 70,000 कंपन प्रति सेकेंड की आवृत्ति सुन भी सकता है और उतनी ध्वनि को पैदा भी कर सकता है।
इस तरह से हम देखते हो। अब आगे बारी आती है आपकी, जो पराश्रव्य ध्वनियां, इनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड भी, है ना। तो पराश्रव्य ध्वनियों का देखिए बहुत तेज है। हमने देखा कि पराश्रव्य ध्वनियों में कुत्ता 40,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति सुन सकता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति दूर से आता हुआ हमको दिखाई नहीं देता और हम बैठे रहते, हम सोचते कोई नहीं आ रहा है, कई बार इनके चोरी होती है, कहीं पे कुछ होती है, या रात में आप देखेंगे तो आपके घरों में आपको आवाज नहीं आती किसी व्यक्ति के चलने की, पर कुत्ता बिल्कुल दूर से ही भौंकना चालू क्यों कर देता है? क्यों कर देता है? क्योंकि हमारे कानों तो सिर्फ 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति आ रही, जबकि कुत्ते को उसकी जस्ट डबल सुनाई देता है, उसकी सेंस ऑर्गन ज्यादा तेज होती है, और चमगादड़ को उससे और ज्यादा, 70,000। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके फायदे भी हैं। अब पराश्रव्य ध्वनियों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो धातुओं के भीतर बारीक दरारों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का अल्ट्रासाउंड जो है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, कई बार कई व्यक्तियों को बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है, तो उसमें भी बैक्टीरियाज को नष्ट करने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इस तरह से मस्तिष्क के ट्यूमर के स्थान का पता लगाने के लिए जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, ब्रेन में अगर किसी को ट्यूमर हो जाते हैं तो उसका परफेक्ट पता लगाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि हाई रेंज की डाली जाती है, तो उससे ट्यूमर का पता चल जाता है एक्यूरेट किस जगह पे है। घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए जो छोटी छोटी घड़ियां होती हैं, उनमें कई घड़ियों में बहुत सारी मशीनरीज होती है, और उस मशीनरीज को हम हाथ से साफ नहीं कर पाते, तो उनको साफ करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से किडनी की पथरी, गुर्दे की पथरी को समाप्त करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, और इसको बोलते हैं, जो गुर्दे की पथरी को जो पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा समाप्त किया जाता है, इसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। एक मशीन होती है, जिस व्यक्ति को किडनी की पथरी हो जाती है उसको लेटा देते हैं एक टेबल में, और एक मशीन होती है, उस मशीन से अल्ट्रासाउंड रेज जहां पर पथरी होती है उस स्थान पे इम्पैक्ट की जाती है, और वो रेज जाके उसको टक टक वहां पे मारती हैं, रेत से बार बार आघात होता है, तो जो पथरी है वो टूट करके आपके यूरिन के थ्रू निकल जाती है। इस तरह से किडनी स्टोन जो है, गुर्दे की पथरी या किडनी का स्टोन जो है, उसको पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग के द्वारा निकाला जाता है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी विज्ञान की भाषा में। आगे हम देखते हैं ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि हम कहीं भी आवाज करते, देखिए हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी तरह से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ध्वनि का किसी तरह से टकरा करके वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है, और परावर्तन के कारण ही परावर्तित ध्वनि ही प्रतिध्वनि कहलाती है। जब ध्वनि जाएगी कहीं भी, जैसे आपने देखा आप कहीं कुएं या पहाड़ी में बहुत जोर से आवाज लगाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो पहाड़ी पर आवाज लगा रहा है, और आवाज लगाने के बाद उसकी ध्वनि जाती है और टकरा करके फिर वापस आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो इस तरह से परावर्तित ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जिसको हम कहते हैं इको साउंड। तो ध्वनि का परावर्तन ही बहुत जरूरी है, ध्वनि का किसी सतह से टकरा करके वापस आना ध्वनि का प्रतिध्वनि के कारण होता है। अब है परावर्तक सतह। अब धातु और की चादरें हैं जो होती हैं, और प्लाईवुड जो की ध्वनि है, वो अच्छे परावर्तक होते हैं। अच्छे परावर्तक कैसे होते हैं कि यदि हम किसी धातु की चादर को, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, लोहा है, किसी में भी हम ठोकते हैं तो उसकी आवाज हमको जल्दी से लौट के आती है, तुरंत सुनाई देती है, ये परावर्तक होती है। इसी तरह से प्लाईवुड भी होता है, और जो कपड़े, कॉर्क और थर्माकोल, ये ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं है। इसीलिए जब हमको कहीं आवाज नहीं सुनानी देती, बाहर नहीं जाने देना, तो हम थर्माकोल, कॉर्क या कपड़े का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये ध्वनि के अच्छे परावर्तक नहीं है, इनसे ध्वनि वापस नहीं आती है। अब ध्वनि की परावर्तन की जब हम बात करते हैं, तो ध्वनि का परावर्तन का मेजर उपयोग कहाँ पर है?
तो देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने पहाड़ों पे आवाज लगाई या कुएं में आवाज लगाई तो वो इको साउंड हमको लौट के सुनाई दे रहा है, प्रतिध्वनि हमको सुनाई दे रही है। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग हम समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्वनि परावर्तन का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ध्वनि संकेतों को समुद्र में भेजा जाता है और ध्वनि संकेत के महासागर के तल पर जाने और तथा वापस आने में जो समय लगता है उसके द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। कैसे आप समुद्र की गहराई मापेंगे? हमने एक फिक्स टाइम फिक्स कर दिया, यहाँ से हमने आवाज लगाई, वो आवाज पूरी समुद्र के नीचे तली तक जाएगी। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है रेड चिन्ह, वो आवाज जा रही है नीचे तक और फिर वहां टच करके फिर वो साउंड वापस आपके पास आएगा। तो जो इको साउंड हमारे पास लौट रहा है वो ध्वनि के जाने और आने में जो समय लगा उससे मेजर करके हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। ध्वनि के कान दो ध्वनियों को हम तभी अलग अलग एवं स्पष्ट सुन सकते हैं जब दोनों ध्वनियों में 1/10 सेकेंड का समय अंतराल हो। कोई ध्वनियां हैं यदि उनमें 1/10 सेकेंड का समय अंतराल होगा तभी वो हमको स्पष्ट सुनाई देती हैं। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल गुणे समय से माप सकते हैं, इसलिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। मूल ध्वनि एवं परावर्तित ध्वनि दोनों को अलग अलग स्पष्ट सुन सकना तभी संभव है जब परावर्तक सतह से 17 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको इको साउंड के लिए 17 मीटर का डिफरेंस होना जरूरी है। बिजली चमकने या ध्वनि की चाल की जब हम बात करते हैं तो बिजली चमकने पर पहले चमक दिखाई देती है, गर्जन के बाद ध्वनि सुनाई देती है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक है और प्रकाश का वेग 3×10^8 m/s और ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 m/s, 20 डिग्री पर 340 m/s। अब हम बात करते हैं ध्वनि के गुणों की। तो ध्वनि के दो गुण हैं मेनली, तीव्र ध्वनि, जब ध्वनियों की हम बात करते हैं तो तीव्र ध्वनि और मंद ध्वनि। तीव्र ध्वनि क्या है? ध्वनि की तीव्रता कंपन एवं आयाम पर निर्भर करती है। अधिक आयाम के कंपन तीव्र ध्वनि उत्पन्न करते हैं और कम आयाम के कंपन मंद ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस तरह से आगे हम देखते हैं मोटी और पतली ध्वनि। हम भारतीय संगीत में ध्वनि सा से शुरू करके आगे बढ़ती है पर पतली ध्वनि और ध्वनि का तारत्व बढ़ने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि पतली ध्वनि अधिक तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कैसी होती है? उच्च होती है। मीन्स जब अधिक तारत्व होगा ध्वनि में तो उसकी आवृत्ति उच्च होगी। जैसा कि हमने देखा सभी ने कि हमारे देश की गायिका लता मंगेशकर जी जो कि विश्व प्रसिद्ध है और उनकी आवाज बहुत पतली है क्योंकि उनकी ध्वनि में अधिक तारत्व के कारण ध्वनि की आवृत्ति जो है वो उच्च है। यह ध्वनि हमको मीठी ध्वनि लगती है। इसी तरह से कोयल की आवाज जो है उसमें भी अधिक तारत्व की ध्वनि है और अधिक तारत्व की ध्वनि होने के कारण इस ध्वनि की आवृत्ति उच्च होती है। जबकि मोटी ध्वनि की बात करते हैं तो कम तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति निम्न होती है और यह हमको मोटी सुनाई देती है। तो जैसे कि हम देखते हैं पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज से पुरुषों की आवाज थोड़ी भारी होती है। क्यों होती है भारी? क्योंकि इनकी आवाज में कम तारत्व होता है और ध्वनि की आवृत्ति भी कम होती है। इसी तरह से हम शेर की दहाड़ भी देखते हैं तो शेर की दहाड़ में भी ध्वनि की आवृत्ति कम होती है और तारत्व भी कम होता है। आगे हम बात करते हैं सुस्वर ध्वनि और शोर की। तो जब हम सुस्वर ध्वनि और शोर की बात करते हैं ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय लगे उसे हम क्या कहते हैं? सुस्वर ध्वनि। नियमित कंपन जो एक दूसरे में निश्चित संबंध रखते हैं मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य यंत्र हैं संगीत के, तो ये सब कैसे लगते हैं हमको? कानों को प्रिय लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें नियमित कंपन होते हैं और जो नियमित कंपन है वो जो एक दूसरे से निश्चित संबंध रखते हैं मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके बाद बारी आती शोर।
तो अनियमित कंपन से शोर उत्पन्न होता है, जबकि नियमित कंपन से सुस्वर ध्वनि उत्पन्न होती है। जो अनियमित कंपन होते हैं वो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगते। जैसे कि हम देखते हैं एक बंदूक दिख रहा है आपको चित्र में, यदि बंदूक से गोली चलती है तो क्या आपको अच्छा लगे? बहुत तेज आवाज आती है और व्यक्ति को शोर लगता है। इसी तरह से अगर आप ट्रैफिक में जाते हैं, बहुत ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं और किसी भी गाड़ी का हॉर्न कहीं भी बज रहा है तो वो आपको शोर उत्पन्न करेगा, क्योंकि उनमें एक साथ ध्वनि नहीं हो रही है, नियमित कंपन नहीं हो रहे हैं बल्कि अनियमित कंपन हो रहे। इस तरह से नियमित कंपनों से उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि है और जबकि अनियमित कंपनों से उत्पन्न ध्वनि शोर है। इसको हम सुस्वर ध्वनि को संगीत भी कह सकते हैं। अब बारी आती है वाद्य यंत्र। तो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं और इन वाद्य यंत्रों को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। पहले हैं डोरी वाले वाद्य यंत्र। डोरी वाले वाद्य यंत्र, इनकी खिंची हुई डोरियां या तार होते हैं। डोरी वाले वाद्य यंत्रों में इनमें खिंची हुई डोरियां या तार होते हैं जिन्हें रगड़कर या खींचकर कंपित करते हैं, जैसे सितार और वीणा। इसमें कैसे डोरी वाले वाद्य यंत्र, इसमें देखिए आपको इसमें डोरी या तार होता है और इन तारों को हम खींच करके या रगड़ करके ही आवाज करते हैं, कंपित करते हैं और उनसे ध्वनि निकलती है, संगीत निकलते हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रहा सितार और वीणा। इसके बाद दूसरे प्रकार के जो वाद्य यंत्र की बारी आती है वो है रीड वाद्य यंत्र। रीड वाद्य यंत्र क्या होते हैं? वायु स्तंभ कंपित, इनमें वायु फूकी जाती है, हवा से हम फूक मारते हैं मुंह से, जो सीधे ही रीढ़ के द्वारा अंदर जाती है, जैसे बांसुरी और शहनाई। तो आपकी बांसुरी या फ्लूट जो है वो रीड वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें हम एक सिरे पर फूक मारते हैं तो वो हवा जाती है और वो रीड उसमें बने हुए हैं और रीड के द्वारा ही ये अंदर जा करके ध्वनि उत्पन्न करती है। तो रीड वाद्य यंत्र के उदाहरण आपके शहनाई और बांसुरी हैं। अगले हैं वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें पीट कर या आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे मंजीरा और घंटी। मंजीरा और घंटी ऐसे वाद्य यंत्र, मंजीरे में हम क्या करते हैं, धातु की बनी होती है और इसमें दोनों मंजीरे के दोनों पल्ले होते हैं, उन दोनों पल्लों को आपस में ठोका जाता है या पीटा जाता है, रगड़ा जाता है। तो दोनों जब पल्ले को रगड़ा जाता है तो दोनों पीसेस को, तो उससे आवाज निकलती है मंजीरे में, आघात करने से दोनों को आपस में आघात किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न हो रही। अगला है मंदिर की घंटी। मंदिर की घंटी में भी सेम यही प्रोसीजर है कि आप मंदिर की घंटी में बीच में लटके हुए घंटे को आप गोल बनी हुई घंटी पे ठोकते हैं, आघात करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डोरी वाले वाद्य यंत्र, रीड वाद्य यंत्र और आघात करके ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र। आगे में हमारी बारी आती है मनुष्यों द्वारा ध्वनि। अब मनुष्यों द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो एक वयस्क पुरुष में वाक तंतु जो होते हैं, हम मनुष्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है मेन हमारे गले में वाक तंतु होते हैं। देखिए चित्र में सबसे नीचे वाला लास्ट चित्र राइट साइड वाला देखिए, इसमें आपको वाक यंत्र दिख रहा है गले में जो होता है, और वयस्क पुरुष में इस वाक तंतु की लंबाई 20 मिलीमीटर होती है, जबकि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 5 मिलीमीटर छोटी होती है। मीन्स महिलाओं में वाक तंतु की लंबाई 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। जैसे जैसे जितने वाक तंतु की लंबाई बड़ी होगी उतनी उसकी आवृत्ति कम होगी, और कम आवृत्ति होने से आवाज मोटी आएगी। तो मनुष्य में ध्वनि का मुख्य स्रोत कंठ होते हैं। कंठ मीन्स गला, है ना? आपके चित्र में, फर्स्ट चित्र में देखिए, जहाँ पे फिंगर्स रखी हुई है आपके गले पे, है ना? ये आपका गला ध्वनि का मुख्य स्रोत है। और कंठ में तने हुए दो स्नायु के बीच में वायु के निकलने के लिए एक सक्रिय झिल्ली होती है। क्या होती है? एक सक्रिय सी
झिर्री होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाक यंत्र बोलते हैं। और जब फेफड़ों से वायु झिर्री में से होकर बलपूर्वक निकलती है तो वाक तंतु क्या हो जाते हैं, कंपित होते हैं। और जब वाक तंतु कंपित होते हैं तो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए आपके नीचे गले चित्र में नीचे में एरिपिग्लॉटिस फोल्ड, ट्यूलस ट्यूबरल्स, सर्वर सेरेनोइड, थायरो रिटार्टेड मेम्ब्रेन, थायरॉइड, कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट ट्यूबिकल, इस और नीचे आपकी श्वास नली। इस तरह से आपको मेन याद रखना है इसमें कि हमारे गले में जो कंठ है और कंठ में दो स्नायु होते हैं और इनके बीच में वाक तंत्र पाया जाता है और इस वाक तंत्र में वाक तंतु होते हैं। इस वाक यंत्र में ये वाक तंतु ही आपके मनुष्य के गले से आवाज निकलती है। वाक तंतु की लंबाई जितनी अधिक होगी आवाज उतनी मोटी होगी, आवृत्ति उतनी कम होगी। पुरुषों में मेन रूप से इनकी लंबाई 20 मिलीमीटर जबकि महिलाओं में 15 मिलीमीटर और छोटे बच्चों में कम होती है। इस तरह से मनुष्यों द्वारा ध्वनि होती है। आगे जब हम बात करते हैं जंतुओं द्वारा ध्वनि की, तो हम जैसा भी देखते हैं चित्र में देख रहे हैं, बकरी है, गाय है, पक्षी है, तो सभी अलग-अलग तरह से वाक तंतु होते हैं और ये सभी अपनी अपनी आवाज निकालते हैं। तो इनमें भी वाक तंतुओं के द्वारा ध्वनि होती है। श्वास नली में विशेष वाक यंत्र होते हैं, जैसे कोयल है तो कोयल का जो वाक यंत्र है वो बहुत सुरीला होता है, मीन्स उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। आगे जब हम पशु पक्षियों की बात करते हैं तो सर्प की बात करते हैं, तो सर्प के वाक तंतु नहीं होते हैं किंतु वे मुंह से हवा निकालकर फुफकार उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि सांप फुफकार रहा है, सांप की भी एक विशेष आवाज निकल रही है, आवाज तो नहीं फुफकार सिर्फ निकलती है, तो वो जिस व्यक्ति में वाक तंतु जितना स्पष्ट होगा आवाज उतनी तेज निकलेगी। मछलियों में गलफड़े से हवा निकालकर विभिन्न आवाजें की जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जंतुओं और मनुष्यों के द्वारा उनमें वाक यंत्र होते हैं और उन वाक यंत्रों में वाक तंतु होते हैं और इन्हीं वाक तंतुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा? पहला, ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। कंपन करती हुई वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जा सकती है उसे आयाम कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को हम आवर्त काल कहते हैं। कोई भी एक दोलन है उसको पूरा करने में जो समय लग रहा है वह आवर्त काल कहला रहा है और प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में किसी भी वस्तु के जितने कंपन हो रहे हैं वह उसकी आवृत्ति है। आवृत्ति को कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा में जाते हैं तो उनको एक व्यक्ति के पास दूसरा यदि अंतरिक्ष यात्री खड़ा है थोड़ी दूर में, तो थोड़ी दूर में खड़े अंतरिक्ष यात्री की आवाज उसको क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं हो रहा है, अंतरिक्ष में निर्वात है, इसलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आवाज, एक अंतरिक्ष यात्री से दूसरे अंतरिक्ष यात्री को आवाज सुनाई नहीं देती। और वहां पर अंतरिक्ष यात्री एक अंतरिक्ष यात्री की आवाज दूसरा अंतरिक्ष यात्री सुनने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। और हमने इस चैप्टर में देखा कि जैसे शोर और संगीत, तो जो नियमित कंपन होते हैं नियमित कंपनों से उत्पन्न ध्वनि हमारी संगीत कहलाती है या सुस्वर ध्वनि कहलाती है, जबकि अनियमित कंपनों से उत्पन्न ध्वनि आपकी शोर कहलाती है। अब बच्चों इस अध्याय में हमने
बहुत कुछ पढ़ा है। अब आप इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। इस गृह कार्य को आप अपनी कॉपी में अच्छी सुंदर साफ राइटिंग में लिखेंगे। आयाम एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। इसमें आपको सिर्फ परिभाषाएं देना है, आयाम और आवृत्ति की परिभाषा लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु से ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। ये सभी बच्चे जान रहे हैं किसी वस्तु से ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। अगला है, कंपन करने वाली वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इससे आप क्या समझते हैं। अगला है, चंद्रमा के तल पर अंतरिक्ष यात्री की आवाज थोड़ी दूर पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं सुनाई देती। और एक क्वेश्चन और, पांचवा, संगीत और कोलाहल में अंतर लिखिए। इस तरह से आप इस अध्याय के होमवर्क को करेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को फिर से देखेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से और ध्यान से रहेंगे, खुशी से रहेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।